hello friends welcome to the class of physics and myself arjendra today we are discussing question number 53 from sc Verma. Uh, this chapter is 24 and the chapter name is kinetic theory of gases now in this question we have given a glass contains some water at room temperature room temperature 20 degrees celsius okay. रेफ्रिजरेटेड वाटर इज एडेड टू इट स्लोली और इसमें फिर हमने रेफ्रिजरेटेड वाटर ऐड कर दिया पहले एक नॉर्मल ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर एक ग्लास पर पानी रखा हुआ था फिर हमने कुछ रेफ्रिजरेटर से पानी लिया इसमें ऐड कर दिया वैन द टेम्परेचर ऑफ दी ग्लास रीचेज टेन डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर का टेन डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है तो स्मॉल ड्रापलेट्स कंडेंस ऑन द सर्फेस आउटर सरफेस कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमडिटी हमको निकालना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है इन द रूम रूम पे ठीक है अब यहां पर एक चीज दिया है देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ चीजें छुपी हुई हैं है। एक दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ़ वॉटर एट प्रेशर ऑफ इतना एम एम ऑफ मरकरी जब ट्वेंटी डिग्री था एंड एट पॉइंट नाइन एम एम ऑफ मरकरी जब टेन डिग्री था सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप लोग अपने घर पे कोई भी गिलास अगर आपके पास यहाँ पर है जिसमें कि आपने पानी रखा हुआ है नॉर्मल पानी उसके बाद आपने रेफ्रिजरेटर से पानी निकाल के लाइए ठंडा पानी और उस पानी को जब आप इसमें पुट करते हैं तो उसके बाद गिलास कुछ ऐसा हो जाता है कैसा हो जाता है पानी यहाँ तक रहा अभी थोड़ी देर छोड़िए तो उसके बाद क्या होगा इसके हल्के से ड्रॉपलेट्स जो होते हैं गिलास के चारों ओर हल्के से ड्रॉपलेट्स आप टेबल में अगर रखेंगे या अपने हाथ में भी रखेंगे तो आपको ड्रॉपलेट्स दिखते हैं आउटर सरफेस में ठीक है तो अब ये जो कंडीशन है ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये जो कंडीशंस हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर के जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो गए दिस इज कॉल कंडेंस हो रहे हैं क्या हो रहे हैं और कंडेंस कब होते हैं और उसी को हम ड्यू पॉइंट उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं ड्यू पॉइंट तो यहां पर अगर आपका मैं बात करूं कि यहाँ पर तो टेम्परेचर था ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और यहां कितना था टेन डिग्री सेल्सियस सेल्सियस तो यहाँ पर ड्यू पॉइंट क्या हो गया इसका डिग्री और ड्यू पॉइंट पे जब कंडेंस हो रहा है ठीक है तो वहां पर भी सेचुरेटेड प्रेशर रहेगा ठीक है अब इतना समझ में आपको आ गया होगा अब देखिए स्मॉल ड्रॉपलेट कंडेंस ऑन द आउटर सर्फेस तो जो इस, इस लाइन में लिखा था स्मॉल डिग्री सेल्सियस पे तो हमारे पास कंडेंस हो रही तो ये हमारे पास इसकी बात हो रही थी ड्यू पॉइंट की बात हो रही ओके अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमको मालूम है कि भैया कैसे निकालते हैं वहां पर वेपर प्रेशर मालूम होना चाहिए तो उसके लिए इन्होंने दिया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट अ प्रेशर ऑफ इतना एम एम ऑफ मरकरी या ट्वेंटी तो एट जब ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था उस टाइम पर इन्होंने दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और उस टाइम पर प्रेशर कितना था दैट इज 70.5 सेवेंटी सेवेंटी फाइव एम एम ऑफ एच क्या है दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर जो कि हमारे पास 20 डिग्री पे था ओके सेकेंड इन्होंने दिया है कि 8.9 पॉइंट नाइन ऑफ मरकरी इट इज एट 10 डिग्री तो एट टेन डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने जो बॉइलिंग की बात कर रखी है पॉइंट पे जो प्रेशर दिया है टेन mm डिग्री तो वाला क्या था वो ड्यू पॉइंट वाला था क्लियर हो गया तो अब इस पर हम निकाल सकते हैं कि एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है सेचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट डिवाइडेड बाय सेचुरेटेड वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर और यही हमें रेटिव इमिडीट निकाल तो अब मेरे को पता चल गया कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट ड्यू पॉइंट पे कितना है 8.9 और सेचुरेटेड वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर कितना है ठीक है इसको इसको परसेंटेज में निकालो तो तो से कर 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 दो तो तो दिस इज इक्वल टू या 85 को आप 51 भी कर सकते। कर सकते। वन भी सकते सकते हो हो हम ले सकते हैं यही आंसर था देखो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं बस इस क्वेश्चन में दो चीजें एक स्मॉल ड्रॉपलेट इससे पकड़ा हमने क्वेश्चन को स्मॉल ड्रॉपलेट कंडेंसेशन कब होता है ड्यू पॉइंट जिस टाइम पर अपना वेपर वेपर प्रेशर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं वो टेम्परेचर जो होता है ड्यू पॉइंट क्या है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इज ड्यू पॉइंट ओके और सेकेंड चीज इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ था इससे हमें समझ में आ गया इन्होंने कहीं पर एस का लिखा नहीं था तो आप आप लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि भैया बॉइलिंग पॉइंट कब कब बॉइल होता है कोई भी चीज ठीक है जब उसका सेचुरेटेड वेपर प्रेशर में पहुंच जाता है वेपर प्रेशर ठीक है तो इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आप इसलिए इस चीज को इतना ध्यान से देखिएगा कि वेन आपके पास कोई चीज उसके अंदर रहेंगी ठीक है बट उसको थोड़ा दूसरे ढंग से वो लोग बात करेंगे क्लियर तो इसका ये आंसर आ गया है